थाना क्षेत्र में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें एक पीड़ित थाने में उपस्थित हुआ। उसने ये बोला कि कुछ लोगों ने क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम से उसके साथ में ठगी कर ली गई है। तो इसको पहले जांच में लिया गया था। जांच में लेने के पश्चात इसकी मॉडस ऑपरेंडी समझी गई। तो इसमें अभी ये जानकारी हमको मिली है कि 5 कुल आरोपी थे इसमें, जिसमें मास्टरमाइंड था निखिल कुमार कोसले। ये पहले लोगों की मदद करता था कि अलग अलग बैंकों से फाइनेंस दिलाने और इस तरह की कामों में मदद करता था। बाद में उसका संपर्क हुआ शिव कुमार साहू से और फिर एक और शैलेंद्र कुमार मिश्रा। तीनों ने एक कंपनी बना ली थी, हेल्पिंग फॉर एवर करके एक कंपनी बना ली थी। उसके पश्चात ये क्या करते थे, ग्राहकों की तलाश करते थे और उनका एक्सिस बैंक में क्रेडिट कार्ड बनवाते थे। एक्सिस बैंक में क्रेडिट कार्ड बनवाने के बाद में इनकी खुद की 2 कंपनी इन्होंने फेक कंपनी बनाई थी। उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने के नाम से उनका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते थे और उनके पैसे को विड्रा करके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते थे। क्रेडिट कार्ड बनाने के एवज में उनसे कुछ पैसे, जैसे 2 लाख का क्रेडिट कार्ड है तो 1 लाख उनको दे देते थे और 1 लाख का ये लोग खरीदारी करते थे। इस तरह की ठगी ये लोग कर रहे थे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें लगभग 40 से 50 लोगों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी किया है। और एक्सिस बैंक से जो जानकारी अभी तक हमको प्राप्त हुई है, जिसमें 3,85,00,000 के आसपास की रकम की ठगी इनके द्वारा की गई है। कोविड के टाइम तक इनका जो ये ठगी का धंधा था वो ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद में फिर ये इसमें धीरे धीरे दिक्कतें इनको आने लगी और बैंकों को जो पेमेंट करते थे उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो बैंकों को भी इसमें इनके उसमें कार्रवाई की ठगी के बारे में भनक लगी। तो बैंकों ने भी अपने स्तर पर जाँच पड़ताल शुरू किया था और इसी बीच में ये थाने में आए और थाने ने फिर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ठगी की गई राशि से इन्होंने एक फॉर्च्यूनर और हेरियर 4-व्हीलर खरीदा था, उसको भी जब्त कर लिया है। इसके अलावा बहुत सारे चेक और क्रेडिट कार्ड और